सास जो सही निकले तो माँ का रूप है, सास जो सही निकले तो पूरा ससुराल अनूप है, सास जो सही निकले तो घर पीपल की छांव है, सास जो सही निकले तो जिंदगी सुनहरी धूप है। वाओ, ये तो पता था कि स्मृति बहुत अच्छी शेर व शायरी करती है, पर जी के लिए या तो आज जी का बहुत लकी डे है या फिर उन्होंने तुझे ज्यादा पैसे दिए हैं। एनीवे, एंड द नॉमिनीज फॉर द बेस्ट सास आर एंड द बेस्ट सास इज अंबिका। थैंक यू सो मच। तो अगला अवार्ड है बेस्ट ससुर का और नॉमिनीज हैं बेस्ट ससुर महेश लूथरा कुंडली वागे। ये मेरे फादर इन लॉ प्ले करते हैं शो में। आई एम टेकिंग दिस अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ नवीन जी। ही इज गोइंग टू बी एक्सटैटिक टू नो दैट ही इज बीन गिवन दिस अवार्ड। कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। तो लेट द बॉयज बी बैक एंड डू देयर जॉब। लेकिन जी कुटुंब की एनर्जी इज अनमैच्ड। अनाउंस कर दें। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये काफी स्पेशल है। बिल्कुल। द बेस्ट मां फॉर दिस ईयर गोज टू भवानी चिटनेस फ्रॉम कैसे मुझे तुम मिल गए। कैसे मुझे तुम मिल गए, 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 कैसे मुझे तुम मिल गए। ये अवार्ड मैंने भी कई बार लूटा है। क्या करें, बेटी ही ऐसी है। तो मैं चाहती हूँ अमृता चिटनेस आप ऊपर स्टेज पर आ जाएं। एक नया किरदार है लेकिन लड़की वही है और बेटी भी वही, ये है ही ऐसी। मैं जानती हूँ ये अपनी माँ के लिए बहुत कुछ करती है, क्योंकि आपकी बेटी आपके स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ रही है इस विराट के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ। तो ये इसका हक बनता है कि ये अवार्ड आपको दे। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए। मुझे सच में नहीं लगा था कि ये बेस्ट माँ मैं हो सकती हूँ। और ये अवार्ड माँ का सिर्फ इस बेटी की वजह से है। स्मृति नॉट एज एन एक्टर बट एज एन ह्यूमन बींग शी इज टू 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 रॉकिंग। इसलिए मैं उसकी शायद अच्छी माँ बन सकी। और जितने भी दर्शक हैं मैं उनसे यही शुभेच्छा दूंगी कि उनको स्मृति झा अमृता चिटनिस जैसी बहू मिले। एंड थैंक यू विराट अर्जित। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए। द मोस्ट आइकॉनिक डायलॉग अवार्ड गोज टू अमृता। कैसे मुझे तुम मिल गए। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए। थैंक यू गाइस फॉर श्रुति हु सेज द मोस्ट कूल लाइंस एंड फॉर दीप्ति हु राइट्स रियली वेल फॉर आवर शो। थैंक यू। एक मिनट अब ये अवार्ड विनिंग जो डायलॉग है एक बार आप कह के भी दिखा दो हमें यहाँ पर। आज से मरते दम तक, मरते दम तक मेरी पहचान मेरे बाबा से नहीं, मेरे बाबा से नहीं, मेरी आई से होगी, मेरी आई से होगी। आज से मरते दम तक मेरा नाम
अमृता भवानी चिटनेस रहेगा, अमृता भवानी चिटनेस रहेगा। अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच, एक बार जोरदार ताली अमृता के लिए। अगला अवार्ड है फॉर द मोस्ट वायरल सीन ऑफ द ईयर। द वायरल सीन गोज टू ऋषि लक्ष्मी। ऋषि और लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, आई होप ये वायरल हुआ था अच्छे वे में, बिकॉज ये सीन शूट करते करते हम खुद मना कर रहे थे हमें ये नहीं करना, बट आई थिंक अच्छा हुआ हमने कर लिया, अवार्ड मिल गया, बस वी आर हैप्पी। अरे रुको रुको रुको, अच्छा ओके, सीन वायरल हुआ है, हम दिखा भी तो दे। अरे वाह, क्या किया तुमने? जहाँ तुम वहाँ मैं लक्ष्मी। मेरी वजह से? चुप चुप चुप, बिल्कुल चुप। अब जिस अवार्ड की बारी है उसे रब ने नहीं आप सबने बनाया है, मतलब जनता जनार्दन ने अपने प्यार की बारिश करके इनको इस अवार्ड के लायक बनाया। तो वक्त है आपकी फेवरेट जोड़ी को अवार्ड देने का। इस अवार्ड के विनर्स पब्लिक वोटिंग से चुने गए हैं। एंड द नॉमिनीज फॉर फेवरेट जोड़ी आर इस अवार्ड को देने के लिए हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे तरुण खन्ना एंड स्मृति तरुण खन्ना को। फेवरेट जोड़ी अवार्ड गोज टू अमृता। क्या बात है, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए। जी के साथ तीसरा शो है, सो आई एम वेरी हैप्पी यार, बहुत आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड वेरी ग्रेटफुल कि ये शो मुझे मिला, एंड आई लव दिस शो, आई लव वर्किंग फॉर दिस शो। मिस चिटनेस, नहीं ये बहुत बहुत ज़्यादा खास है, एंड स्पेशली शेयरिंग दिस विद अर्जित हु प्लेज विराट, क्योंकि वो मेरा सबसे खास दोस्त है, एंड द होल कास्ट एंड द होल क्रू ऑफ कैसे मुझे तुम मिल गए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम।